नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। आईपीएल में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पहला मुकाबला मुंबई और राजस्थान के बीच होगा तो वहीं दूसरा मुकाबला दिल्ली और कोलकाता के बीच होना। लेकिन इस खबर में हम आईपीएल के 24वें मुकाबले यानी मुंबई बनाम राजस्थान की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज के मैच में राजस्थान की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती। आईपीएल में राजस्थान की टीम ने अब तक 5 मुकाबले खेले, जिसमें से उसने 2 मैचों में तो जीत हासिल की तो वहीं 3 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि मुंबई का हाल भी राजस्थान जैसा ही है। मुंबई की टीम ने भी 5 में से 2 मुकाबलों में जीत हासिल की। ऐसे में दोनों ही टीमें अपनी तीसरी जीत दर्ज करना चाहेंगी। हालांकि पॉइंट टेबल पर मुंबई का हाल राजस्थान से बेहतर है। मुंबई की टीम पॉइंट टेबल पर 4th, जबकि राजस्थान की टीम 7वें स्थान पर। ऐसे में राजस्थान की टीम आज के मैच में अपनी पूरी जान लगाएगी और अपने रन रेट को बेहतर कर शानदार जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। लेकिन राजस्थान की टीम के लिए उसके खिलाड़ी चिंता का विषय बने हुए। पहले बेन स्टोक्स का चोटिल होना और जोफ्रा आर्चर का रूल्ड आउट होना, उसके बाद उसके 2 खिलाड़ियों का स्वदेश लौट जाना, टीम के लिए ये बड़ा झटका है। अब टीम के पास 4 ही विदेशी खिलाड़ी बचे हैं, जोस बटलर, डेविड मिलर, क्रिस मॉरिस और मुस्तफिजुर रहमान। इन 4 खिलाड़ियों पर टीम को जीत तक ले जाने का जिम्मा। वही राजस्थान की टीम के लिए उसके बल्लेबाजों का न चलना भी चिंता का विषय बना हुआ है। संजू सैमसन ने पहले मैच में जरूर शानदार पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। जबकि आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी मॉरिस में निरंतरता की कमी। उन्होंने 5 में से 2 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया और टीम को जीत हासिल की। ऐसे में मॉरिस के ऊपर आज के मैच में भी शानदार प्रदर्शन करने का दबाव होगा और अगर आज के मैच में मॉरिस चलते हैं तो राजस्थान की जीत आप तय मानिए। वहीं आज के मैच में हमें छक्कों की भी बरसात देखने को मिल सकती, क्योंकि दोनों टीमों के कप्तानों को लंबे हिट्स लगाना पसंद है। वहीं दोनों ही टीमों के पास बड़े हिटर बल्लेबाज हैं। इसके अलावा मनन वोहरा और यशस्वी जायसवाल के टीम में जगह बनाने के लिए कड़ी टक्कर है। लेकिन आज के मैच में यशस्वी जायसवाल को बैटिंग करते हुए देखना चाहेंगे। वो अच्छे युवा बल्लेबाज हैं और बटलर के साथ टीम को मजबूती दे सकते हैं। वहीं ये मैच फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेला जाएगा और इस मैदान पर आईपीएल का ये दूसरा मैच होगा। ऐसे में राजस्थान की टीम इस मैदान पर आईपीएल के सीजन की तीसरी जीत जरूर दर्ज करना चाहेगी। वहीं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीमें आईपीएल में अब तक 23 बार आमने सामने आई, जिनमें 11 बार मुंबई को तो 11 बार राजस्थान की टीम को जीत मिली। ऐसे में हम आज के मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको आज के मैच की संभावित प्लेइंग 11 बताते हैं। तो आज राजस्थान की टीम में कप्तान संजू सैमसन के साथ जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, डेविड मिलर, शिवम दुबे, वही ऑलराउंडर में रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस और गेंदबाजी में जयदेव उनादकट, चेतन सकरिया, मुस्तफिजुर रहमान को मौका मिल सकता है। चेतन सकरिया ने अब तक अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया और बड़े बल्लेबाजों के विकेट चटकाकर अपनी टीम को मजबूती प्रदान की। वैसे आपको क्या लगता है, राजस्थान की टीम में इन खिलाड़ियों की जगह किसी और को मौका मिलना चाहिए? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और स्पोर्ट्स से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।